गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास इलेवंथ, टॉपिक हमारा जो है सेट्स है चैप्टर वन, और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है बेसिकली आपका वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, और जो ये रेक्टेंगल होती है एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं, और उसके अंदर आपके पास आप कहीं पे भी आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इस यू को बोलते हैं हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे जो सेट ए दिया गया है एक इसका पार्ट होता है, और इस पार्ट के अंदर क्या है, आपके पास सारी सारी वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वेन डायग्राम की, हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे यूनिवर्सल सेट है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमें अगर ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल लेंगे, और इसके अंदर आपके पास दो सेट लेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी। अब हमारे पास क्या है, जैसे हम इसको सेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेट ए आपके पास, ये सेट बी है, और ये सारे के सारे जो वैल्यूज है हमारे पास यूनिवर्सल सेट आपके पास के अंदर इंक्लूड है। और ये जो हमारे पास जो पिक है आपके पास यहाँ पे सेट ए और बी, जो सेडिड रीजन है ये शो करता है हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर। दूसरा जो इसका पार्ट है वो हमारे पास है इसका वेन डायग्राम के अंदर हमें इंटरसेक्शन विद आपके पास ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स आपके पास यहाँ पे जो कि एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद हम दो सर्कल्स यहाँ पे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ए और बी आपने सेट ली, और यहाँ पे जो कॉमन रीजन है ये पार्ट आपका ये शो करता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहेगा, आपके पास जो एलिमेंट है एक्स वो सेट ए में भी बिलोंग करेगा, और वो आपके पास यहाँ पे सेट बी के अंदर भी हमारा वो एलिमेंट बिलोंग करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या होगा बेटा, आपके पास यहाँ पे क्योंकि आपके पास ए इज ए सबसेट ऑफ यू, ए इज ए सबसेट ऑफ यू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो आपके पास क्या रहेगा, पूरा का पूरा जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेट ए आ जाएगा, और ये सारी की सारी जो आपके पास है सेट रीजन आपका ए यूनियन यू, ये हमेशा यू को ही रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज जो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, और आपके पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब सबसे पहले हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दो सेट्स रिप्रेजेंट किए गए ए और बी, यहाँ पे क्या रहेगा, यूनियन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट अगर मैच नहीं हो रहे फिर भी हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे सेट ए, और नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे सेट बी। यूनियन के दौरान आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ है चाहे वो सेट ए में मैच कर रही है या नहीं कर रही है, सेट बी में है या नहीं है, उन सभी वैल्यूज़ को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा जाता है, जो कि आपके पास है ए बी, जो हमारी वैल्यू है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि एक्स ए में बिलोंग करे तो बी में बिलोंग ना करे, पॉसिबिलिटी हमारी एक्स ए में बिलोंग कर सकता है और बी में भी, हमारे पास क्या एक्स ए में है एक्स बी में नहीं हो सकता यहाँ पे, या फिर अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स बी में आपके पास बिलोंग कर सकता है, बट ये आपको हमेशा एक्स हमेशा ए यूनियन बी के अंदर ज़रूर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है आपके पास नेक्स्ट इसके डिफरेंस की बात करते हैं यूनिवर्सल सेट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए है कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए किया जाता है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक के अंदर आपके से डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू, और आपके पास है यू माइनस ए, हमारा ये सेट ए हो गया, इस सेट ए को छोड़ के बाकी जो हमारी वैल्यूज बच गई जितनी भी आपके पास है ये सारी की सारी आपके पास रिप्रेजेंट करती हैं ए कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या बजाती है यू माइनस ए, और अगर हम किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस वही सेट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। ये डिफरेंस ऑफ सेट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है ओनली टू एलिमेंट्स के बारे में किया है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे थ्री एलिमेंट्स के लिए। थ्री एलिमेंट्स में आपके पास क्या होगा, आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या करेंगे आप इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे लिखनी है कि हमारे पास पहले इन दोनों के आपस यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास थ्री सेट्स होंगे ए बी सी, ये हमारा सेट ए, ये सेट बी, और ये क्या होगा हमारे पास सेट सी। अब हमारे पास जो आपस यहाँ पे वैल्यू हमें चेक करनी है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, और उसके बाद हमें चेक करना है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन हमारे पास ये पार्ट रहेगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करना है, बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब इसकी यूनियन किसके साथ करनी है, हमें ए के साथ, तो हमारा जो रीजन आपका सही है, जो साइडेड रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा टोटली, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसी को, अगर हम इस रीजन को डिनोट करना चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसका वेन डायग्राम थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाएगा। इसमें क्या आपके पास ए, आपके पास सबसे पहले रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ पे रेक्टेंगल में आपके पास यूनिवर्सल सेट, नेक्स्ट ए बी, और आपके पास ये सेट सी। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के अंदर आपके पास ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है सेट ए के साथ, तो बी यूनियन सी का सेट ए के साथ आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये रीजन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो जो कि रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को ये रिप्रेजेंट करेगा।